जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि संडे के दिन 13 रजब है। मौलाए कायनात अमीर अल-मोमिनीन अली इब्ने अली की विलादत बासआदत के सिलसिले में रजब का आगाज़ होने से कबल अहलिया ने मोहल्ला मौला अली की जानिब से एक वफ़ की शक्ल में दारुस्सलाम लोग आए थे। नखीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात किया और उन्होंने बताया कि यहाँ पर रोड का और माँ बाकी कुछ कामों के इंतजाम की ज़रूरत है। नखीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मैं यहाँ पर हमने नुमाइंदगी कर कर यहाँ पर एक सीसी रोड का काम को सेंशन करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4-5 दिन कब्ल से इस काम का आगाज़ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी और सारी है और पाए तकमील तक पहुंच चुका है। यकीनन यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर विलादत बासआदत के मौके पर टेम्पररी लाइट्स का इंतज़ाम किया गया जो आज ही से अभी इसका आगाज़ होगा, फिक्सिंग के लाइट्स और फिक्सिंग का। यहाँ पर मोबाइल टॉयलेट्स के भी इंतजाम किए गए हैं। यकीनन जो काम की ज़रूरत है वो बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान बिलखसूस जनाब ख्वाजा साहब और यहाँ पर यहाँ की पीस कमेटी के ज़िम्मेदारान जो यहाँ के मुजज़्ज़मा साहब और तकी भाई साहब शब्बर साहब, ये तमाम लोगों ने जो है यहाँ के कामों को ये देख रेख की है। मैं इन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और यकीनन ज़ायरीन की सहूलत के लिए माँ बाकी और भी जो काम है इंशाअल्लाह ताला वो भी जो है इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल कराए जाएंगे। तो और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही की नुमाइंदगी पर नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वाली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की पुरजोर कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर मौला अली पहाड़ के ऊपर फर्स्ट फ्रेम का काम जो चंद साल पहले मुकम्मल किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे फेज़ का काम माशाल्लाह से चल रहा है और यकीनन ये काम भी जल्द अज जल्द तकमील होगा और इससे भी बहुत सहूलत होगी। जैसा कि पहला रैम की तकमील के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्लीन के लिए जो मस्जिद खमरगाह में अपने नमाज़ें अदा करते हैं उनको सहूलत मिली है और यकीनन जो कंस्ट्रक्शन के काम में भी जो पहाड़ पर हो रहा है मुख्तलिफ किस्म के कंस्ट्रक्शन के काम या रिनोवेशन के काम के लिए बहुत सहूलतें मिली है। लोगों को नियाज करने के लिए, ज्यारतें करने के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, ये तमाम लोगों को इससे बहुत अच्छे इस्तेफादा हुआ है। यकीनन जब मुकम्मल रैंप बन जाएगा तो और भी ज़्यादा जो है इस्तेफादा होगा। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम में भी तमाम कामों में हमारा तआवुन फरमाया, शुक्रिया। टेम्पररी स्ट्रीट लाइट के अलावा परमानेंट स्ट्रीट लाइट्स के भी जो है लगवाया गया, टेम्पररी ट्रांसफार्मर्स लगवाया गया, अभी परमानेंट ट्रांसफार्मर भी एक ऊपर की जानिब नफ्स कराया गया है और यकीनन जो है गार्बेज के गाड़ियां लगवा कर डिब्रीज लिफ्टिंग गार्बेज लिफ्टिंग भी करवाई गई है। तो ये तमाम काम चल रहे हैं। सीसी रोड का तो मैं पहले ही जिक्र कर चुका। हाँ यकीनन साबेखा में, यकीनन इस बार नहीं, साबेखा के दौर में एक यहाँ पर एक वीडियो आई थी कि बारिश के बाद जो है ये अलावे के पास जो है छिल्ले के पास पानी जो है भर जाता था, तो उसके लिए जो है NP2 पाइप ड्रेन का काम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे किया गया और उसके बाद अब ये जो है उस पर रोड डाली गई। तो एक तवील सिलसिला है कामों का, तरक्याती कामों का, तो एक बहुत लंबा वक्त लगेगा अगर पूरा गिनाने बैठूँ। जिस दौर में मैं जिस काम के लिए भी इंस्पेक्शन के लिए आया और जिस विलादत बासआदत के मौके पर हम जिन कामों का इंतज़ाम किए हैं मैं उसका भी फिलवक्त जिक्र किया हूँ। कभी इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा काम है वो बताएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।